समाजवादी पार्टी जब से 37 सीटें जीती तब से उसका जुनून और जज्बा बढ़ता ही जा रहा है। अब तो बात ये उपचुनाव तक आ गई है और यहाँ पर भाई दावे पे दावे होते जा रहे हैं। कभी हमारे बाबा जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो कभी बात करते हैं लाल टोपी अपराधियों की निशानी है तो ऐसा बात करते हैं, और कभी कभी तो भाई राजभर ओपी राजभर के ऊपर भी बात आ जाती है। अब देखिए ओपी राजभर यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जवाब जो मिलता है ना उससे तो हैरान हो जाएगी जनता। खूब बोले चलनी बोले, ओम प्रकाश की क्या हैसियत है समाजवादी पार्टी के सामने, अखिलेश के सामने और अवधेश प्रसाद के सामने। तो लो भाई अवधेश प्रसाद ने तो हैसियत की बात कर दी, उनकी कोई हैसियत ही नहीं कि अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के सामने उनकी बात बोले और उनका कोई जवाब दे। ये मतलब बहुत ही हल्के में ले लिया भैया ओपी को, और उनका शायद ऐसे काम ही होगा तभी तो अवधेश प्रसाद कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन 43 सीटें और सपा जो है 33 सीटें जीती, उनका जज्बा और जुनून बढ़ता जा रहा है। वो तो भाई साहब योगी आदित्यनाथ को भी कह रहे हैं कि भैया आप मिल्कीपुर की सीट जीत के दिखाइए तब बताएंगे हम। आप बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे, समर्थक आए थे और नेता लोग आए थे, बहुत खुश थे, बड़ा उत्साह है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने से मिलने के बाद वो बहुत ऊर्जावान हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारेगी।